पॉलिटी लक्ष्मीकांत फिफ्थ एडिशन प्राइम मिनिस्टर चैप्टर नंबर 19 में पढ़ेंगे। तो दो टर्मिनोलॉजी थी, ये थे डी जूरी और डी फैक्टो। डी जूरी का मतलब होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। भारत के अंदर प्रेसिडेंट जो होता है वो डी जूरी होता है, मीन्स नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब रियल एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार के होते हैं वो पिछली बार अपने पढ़ चुके हैं। सो लेट्स, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि किस तरह से होना चाहिए, सिलेक्शन किस तरह से होना चाहिए और अपॉइंटमेंट किस तरह से होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 775 में ये बता रखा है कि प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अंदर मेजोरिटी जो लेके आता है प्रेसिडेंट, उसे जनरली प्राइम मिनिस्टर बनाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेजोरिटी नहीं होती है। जब मेजोरिटी नहीं होती है लोकसभा के अंदर, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो अपने पर्सनल डिस्क्रिशन से किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। डिपेंड्स ऑन द लार्जेस्ट पार्टी, डिपेंड्स ऑन द कॉलिशन। तो इस प्रकार से पहली बार 1979 के अंदर नीलम संजीव रेड्डी जो प्रेसिडेंट था, उसने चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर घोषित किया था। तो मोरारजी देसाई की सरकार जो है उस पर गिर गई थी। इसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर कभी मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, जैसे इंदिरा गांधी मर गई थी 1984 के अंदर, तो उस समय प्रेसिडेंट जेल सिंह ने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। 1980 के अंदर एक केस हुआ था कि अगर कोई लोकसभा का मेंबर नहीं भी है या अपनी मेजोरिटी साबित नहीं भी कर पाता है तो भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन बाद में उसको अपनी मेजोरिटी साबित करनी पड़ेगी। तो ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर बना सकता है विदाउट मेजोरिटी, लेकिन वो मेजोरिटी बाद में प्रूव कर सकता है। 1997 में ये केस हुआ था कि कोई बंदा लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीने बाद में उसको अपना जो मेंबरशिप जो है ग्रहण करनी पड़ेगी। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के अगर आप मेंबर नहीं हो तो भी आप जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, लेकिन विद इन 6 मंथ्स यू हैव टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेदर इट इज़ लोकसभा और दी राज्यसभा, विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 1980 और 1997 में आप केस ध्यान में रखें कि प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी बन सकता है। जैसे आप इंदिरा गांधी 1966, देवेगौड़ा 1996, मनमोहन सिंह 2004, ये सब जो है राज्यसभा के मेंबर थे। तो 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे जो राज्यसभा के मेंबर होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में सिर्फ लोकसभा यानी लोअर हाउस जो होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, लोकसभा के लोग ही प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इंडिया और ब्रिटेन के पॉलिटिक्स के अंदर, तो ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा ओथ, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि ओथ कौन कौन सी प्राइम मिनिस्टर द्वारा ली जाती है। एक तो फेथ और एलिगेंस की, एक ली जाती है उसके द्वारा सॉवरनिटी और इंटीग्रिटी की, एक ली जाती है डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज की, विथआउट एनी फियर ही विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। ओथ ऑफ सीक्रेसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ली जाती है। ओथ ऑफ सीक्रेसी यूनियन मिनिस्टर्स के द्वारा या मिनिस्टर्स के द्वारा भी ली जाती है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर, इन दोनों के अलावा किसी के भी लिए ऑथ ऑफ सीक्रेसी नहीं है, जो अपन आगे पढ़ेंगे, चाहे वह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। प्राइम मिनिस्टर का जो टर्म होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो जब तक लोकसभा में मेजोरिटी होती है तब तक प्राइम मिनिस्टर रहता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट तय करती है, जितनी भी आनी है वगैरह वगैरह। पावर कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के पास नो डाउट बहुत सारे पावर होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर के उसके पास क्या पावर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो बेसिकली हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो उसके पास ये पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट को बताता है कि मुझे कौन कौन से मिनिस्टर चाहिए। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो मिनिस्टर को अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जैसे नरेंद्र मोदी बताएगा कि मुझे कौन कौन सा मिनिस्टर चाहिए। इसके अलावा वो पोर्टफोलियो मिनिस्ट्रीज का चेंज कर सकता है। जैसे आपको पता ही है, टेक्सटाइल और एचआरडी के बीच में एक वो लेडी थी, उसका केस हो गया था, उसको हटाया था उसने। इसके अलावा उसने जो पार्लियामेंट जो होती है
जो प्रेसिडेंट जो होता है उसको ये निवेदन कर सकता है कि इस आदमी को हटा दो या इस मिनिस्टर को हटा दो या रिज़ाइन करने के लिए इसको बोल दो। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें वो हेड करता है, और इसके अलावा दूसरे डायरेक्शंस कंट्रोल वगैरह को भी देता है। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करता है तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी कॉलेप्स हो जाते हैं, उनको भी रिज़ाइन करना पड़ता है। ये एक कंडीशन है। ही कैन ब्रिंग अबाउट द कॉलेप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिज़ाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। ऑफिस रिज़ाइन कर दिया मतलब सारे दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये एक तरह का क्या होता है, भाईचारा होता है कि भाई तू है तो मैं हूँ और तू नहीं है तो मैं नहीं हूँ, इस तरह की भावना चलती है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं प्रेसिडेंट की अपन बात करें। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसका प्रेसिडेंट के साथ अच्छा रिलेशन होता है। प्राइम मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रेसिडेंट को सारे कम्युनिकेशन जो हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी दे, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन दे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को कोई जानकारी चाहिए किसी मैटर के अंदर या किसी डिसीजन में तो उसको जानकारी वो प्रोवाइड करवाएगा। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है, ए भाई फटाफट मेरे पास इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे क्या रे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि भाई कौन कौन सी ऑफिशियल पोस्ट पे कौन से मेंबर को बिठाना है, जैसे अटर्नी जनरल, CAG, UPSC के मेंबर और चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इन सब के जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर अपने सूझबूझ से तय करता है, और फिर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को कि भाई इन बंदों को अपॉइंट कर दो। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट के साथ रिलेशन बहुत गहरा होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा यानी लोअर हाउस का लीडर होता है। तो वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि आप जो पार्लियामेंट का सेशन है उसको समन कीजिए या प्रोरोगेशन कीजिए उसका। तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, एडवाइस से करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है उसको हाउस में रखने की जिम्मेदारी भी प्राइम मिनिस्टर की होती है। नेक्स्ट चलते हैं पावर्स और फंक्शंस जो होते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जनरली चेयरमैन होता है आपका, जैसे नीति आयोग का, NDC, NIC, इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्स। तो जनरली जिसके आगे नेशनल लगा है उसके आगे चेयरमैन ये हो सकता है। हालांकि सबका चेयरमैन ये नहीं होता है, बट आपको यह याद रखना है, दिमाग लगा के याद रखना है इसको, ऐसा नहीं। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसीज जो होती है वो भारत में इंप्लीमेंट करना और ब्ला ब्ला ब्ला, इमरजेंसी के टाइम में वर्क। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है एक इम्पॉर्टेंट हमारा फंक्शन होता है, जैसे US में प्रेसिडेंट होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे लोग आए हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की अलग अलग भाषा में तारीफ करी है, जैसे लॉर्ड मॉर्ली था, उसने बोला प्राइम मिनिस्टर एज ए प्रीमिस इंटर पारेस, पता नहीं क्या बोला इसने। तो इन सब के स्टेटमेंट याद रखना ज़रूरी नहीं है। जेनिफर ने क्या बोला है, लोरे मोरना है, क्या रैमसी ने क्या बोला है, इसने फलाना ढिमका भी कैन इसके बेट। नेक्स्ट चलते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन हमारे आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 74, 75, 78 में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन क्या है। आर्टिकल 74 के अंदर ये मेंशन किया गया है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ कार्य करते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो भी एडवाइस देता है वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ती है। ये बाइंडिंग होती है, ये अपन आगे और पढ़ेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 75 में ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो मिनिस्टर जो होते हैं वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के बिहाफ से बैठते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा के लिए होती है। एग्जाम में IAS में पूछा गया है कि मिनिस्टर्स
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा NIS आर्टिकल 78। इसमें प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट को जितने भी कम्युनिकेशन या डिसीजन होते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन है एडमिनिस्ट्रेशन से या लेजिस्लेचर से वो उसको बताए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ हाउ आर्टिकल 74, 75 एंड 78 इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स हैविंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चीफ मिनिस्टर्स हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर लाइक नरेंद्र मोदी who was the chief minister of Gujarat and becomes prime minister. In a similar way, Morarji Desai, Charan Singh, VP Singh, Narasimha Rao, Devegowda, and Narendra Modi. These all are the chief ministers and eventually becomes the prime minister. The first prime minister of South India was P.V. Narasimha Rao during 1991-96. So you should remember the relations between the President and Prime Minister. Article 74, 75, 77 and 78 is kind of very important for the President and for the Prime Minister. Also a point to be noted that Gulzari Lal, usne bhi Prime Minister ki tarah act kiya tha. So it's very important, you should know. सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।